आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया गया है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n। फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है वो हम लिख लेते हैं। इसने कहा कि सम इज दिस, तो हमारा आ गया एस एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n। ठीक है, इसने क्या कहा, फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, a16 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है वो हम लिख लेते हैं पहले। a16, तो ये कैसे आ गया आपका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, देन अब व्हाट इज a, a इज द फर्स्ट टर्म, तो हमारा क्या हो जाएगा, सपोज हमको भी पता नहीं है क्या है, तो हम लिख लेते हैं a प्लस an इज a16, a प्लस n माइनस 1 मीन्स 16th टर्म, मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a प्लस 15d। ये आपका आंसर आना चाहिए जब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब सपोज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, a 1 है, a1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका सम। ठीक है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म है, n इज इक्वल टू 1, a1 में n इज इक्वल टू 1, तो आपका क्या आ जाएगा वो हम लिखते हैं, s1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 2 इंटू 1² इज 2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, दिस इज इक्वल टू 5। तो s1 इज 5, यानी एक ही फर्स्ट टर्म है तो उसका सम क्या होगा, सेम, तो 5 हमारा क्या हो गया, a1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेंगे a2, मतलब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो गया हमारा, s2 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पे 2² प्लस 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो s2 माइनस s1, s2 माइनस s1, तो आपका क्या निकल के आएगा, s2 माइनस s1 यू विल गेट क्या, करके देखते हैं, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो s2 माइनस s1 हमारा क्या निकला, क्या निकला हमारा, दिस इज आवर a2, दिस इज आवर a2। ठीक है, अब a2 माइनस a1, a2 से a1 को माइनस करेंगे, यू विल गेट द डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 इज a2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो 4 हमारा क्या निकला, डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट उसको आगे भी कर सकते हो आप, क्या है हमारा s3,
एस थ्री निकालना है आपको, तो क्या होगा, टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री, दिस इज इक्वल टू टू इंटू नाइन प्लस नाइन, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, टू इंटू नाइन इज एटीन, एटीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी सेवन, ठीक है। नाउ एस थ्री माइनस एस टू, एस थ्री माइनस एस टू, दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टीन, ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टीन क्या निकला हमारा, थर्टीन। तो ये थर्टीन जो है हमारा क्या है, ये थर्टीन, थर्टीन हमारा क्या है, दिस इज अवर ए थ्री, ए थ्री, ठीक है। नाउ ए थ्री माइनस ए टू से क्या निकलेगा हमको, डिफरेंस अगेन ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री हमारा कितना है, थर्टीन माइनस ए टू, ए टू इज नाइन, दैट इज इक्वल टू फोर, ठीक है। आपका यहां पर भी डिफरेंस फोर है, यहां पर भी डिफरेंस फोर है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश की है, इसको आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारी भी वैल्यू है ए, इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट ए सिक्सटीन, ए हमारा कितना आया था, फाइव, ए हमारा आया था फाइव, तो ए सिक्सटीन इज इक्वल टू फाइव प्लस फिफ्टीन इंटू डी इज फोर, दैट इज इक्वल टू फाइव प्लस फिफ्टीन इंटू फोर इज सिक्सटी, इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव इज आवर आंसर, ठीक है।